वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 17वां, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। बाज और सांप इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि बाज के मृत्यु के पश्चात सांप के मन का चैन वो अपने मृत्यु के साथ ले जाता है। वह बार बार सोचने लगता है कि ऐसी क्या बात है कि उसे बिछो में व्याकुल होकर वह एक बार बाज उस आकाश में स्वच्छंद होकर उड़ान लेना चाहता है। आकाश में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है, और वह तय करता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह भी एक बार वह आकाश में उड़ने की कोशिश करेगा। और वह कोशिश भी करता है, वह अपना शरीर फैला लेता है, सिकुड़ जाता है और एक छलांग मारता है। और जैसे छलांग मारने की कोशिश करता है, वह क्या करता है, आकाश के सूर्य के किरण के साथ उसका शरीर चमक उठा है। यह कर सांप ने अपने शरीर को सिकुड़ा और रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर में रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। अब देखिए, ईश्वर ने ही कुछ जीव जंतु की निर्मित इस प्रकार से की होती है। उसमें से सांप भी ऐसा है कि उसने जीवन भर क्या किया था, कभी उड़ान भरी थी अपने जीवन में? नहीं, वह हमेशा जमीन पर रेंगता हुआ, सरकता हुआ घूमता रहता था। और जिसने जीवन भर में सिर्फ रेंगना ही सीखा है, अब उसने अपने जीवन में कभी उड़ान भरी ही नहीं, उसके पास पंख भी नहीं है, तो वह कैसे उड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। जैसे उसने उड़ने की कोशिश की, उसके साथ क्या हो गया, थोड़ा ऊपर उठा और नीचे चट्टानों पर, पत्थरों पर धप से जा गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, आप देखो, वह जैसे ही नीचे गिर गया तो वह सोचने लगा कि बाप रे, अच्छा हुआ मैं बच गया। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। ईश्वर के मेरे ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए मैं मरते मरते बच गया। और यह हंसते हुए सांप कहने लगा, आगे क्या कहते हैं देखते हैं। सो उड़ने का यही आनंद है। अब देखिए, वह उड़ान भर पाया था? नहीं। अगर वह आगे कोशिश भी करता तो क्या होता, वह और थोड़ा ऊपर उठता, फिर और थोड़ा ऊपर उठता, लेकिन बिना पंखों के सहारे वह आकाश में नहीं उड़ पाता था। हाँ, लेकिन उसने थोड़ा सा प्रयास किया, इसे हम मान सकते हैं। तो अब उसे और भी प्रयास करना चाहिए था, या फिर जितना हुआ, जितना उसने प्रयत्न करा उसमें ही वह समाधानी मान लिया? और वह सोचने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। अब उसने उड़ने की प्रयास किया था, लेकिन उसको क्या मिला, वह ऊपर से थोड़ा चट्टान से ऊपर से गिरने की कोशिश कर रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चट्टानों पर आकर वह गिर गया। और उसे क्या आनंद मिला? नहीं। अब वह सोचने लगा, आकाश में उड़ने का यह आनंद है, भर पाया मैं तो। वो बोलता है, ठीक है बाबा, जो आनंद है मैं कोशिश कर रहा था उससे मैं बहुत समाधानी हो गया। पक्षी भी कितने मूर्ख है। अब देखो, अब सांप हंसते हुए सोचने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। अब देखिए, वह उसके मन में उत्सुकता निर्मित हुई थी कि किस प्रकार से बाज उड़ने के लिए अपना अंत समय तक वह झुंझला रहा था, और जब उसने प्रयास किया तो वह क्या हो गया था, वह नीचे चट्टानों पर आ गया था और मरते मरते बच गया था। और इसलिए वह सोचता है कि यही उड़ने का आनंद है, तो ठीक है, अब इसके बाद मैं कभी उड़ने के लिए प्रयास नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो मरते मरते बचा था, और इसमें वह अब समाधान हो जाता है कि नहीं, अब इसके बाद में कभी मैं आकाश में उड़ने का प्रयत्न नहीं करूंगा। पक्षी भी कितने मूर्ख है। अब देखिए, अब ईश्वर ने पक्षियों की निर्मित ही इसलिए किए थे, उनके पास पंखों को दिया होता है। क्यों? क्योंकि वह पंखों के सहारे आकाश में उड़ान भर सके। लेकिन सांप उड़ान नहीं भर सकता है, लेकिन फिर भी वह दूसरों को दोष देता है, उनको मूर्ख समझता है। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। अब देखिए, वह क्या सोचता है कि वह सांप जमीन पर रहने वाला प्राणी है। अब सांप सोचता है कि धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, वह पक्षी कैसे है, मूर्ख है।
किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, न कोई सहारा है। वो आगे भी कुछ कह रहा है, फिर भी वे पक्षी किस बूते पर इतनी डेंगे हाँकते हैं? डेंगे हाँकना मुहावरा है, बड़ी बड़ी बातें करना। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब देखिए, मनुष्य का भी स्वभाव इस प्रकार का होता है। अगर उनके जैसे दूसरे जो मानव होते हैं, वह प्रयत्न करके, कष्ट करके, मेहनत करके जब वह आगे बढ़ते हैं, तो कुछ मनुष्य उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ज्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं, और प्रयत्न करने के बाद जो हार उनके सामने आते हैं वहीं पर वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरे से ये हो नहीं सकता है और मुझे आगे नहीं करना चाहिए, कौन जान जोखिम में डालेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर हमें सांप की कायरता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और मनुष्य में भी इस प्रकार की कायरता के स्वभाव के बहुत लोग होते हैं। और वह क्या कहते हैं, जो घिसा पीटा जीवन है उसमें ही वह सुख समाधानी मानते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो सांप है वह क्या करता है कि वह जो प्रयत्न कर रहा था वह आगे नाकाम हो गया, और इसके वजह से वह कहता है कि आकाश में उड़ान भरने वाले पक्षियों से क्या करते हैं, बड़े बड़े बातें हांगते रहते हैं, डिंगे मांगते रहते हैं। और वह सोचते हैं कि वो आकाश में विचरण करने वाले जो पक्षी होते हैं वो जमीन पर रहने वाले जीवों को बहुत छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया है, बाश तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा, ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब देखिए, ऐसे कभी कभी हमें कठिन बहुत सारी कठिनाइयां आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और फिर ईश्वर के बारे में कहते हैं कि अच्छा हुआ हमें आगे नहीं जाना चाहिए था, नहीं तो क्या हो जाता, हमारे साथ कुछ विपरीत घटनाएं हो जाती थी, और हम आगे बढ़ने के बजाय हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। अब देखिए, हमारे जो सैनिक होते हैं वह भी तो लगातार दिन रात क्या करते हैं, कितनी घनघोर जीवन से अवस्था से वह अपना जीवन बिताते रहते हैं, आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण होते रहते हैं, फिर भी वह उस हमले से घबरा जाते हैं, उस आक्रमण से घबरा जाते हैं नहीं, कोशिश पर कोशिश, कोशिश पे कोशिश जारी रहते करते रहते। अगर वह बीच में रुक गए और ईश्वर को बोलेंगे कि नहीं नहीं बाबा, अच्छा हुआ आपने हमारी जान बचा दी, अब आगे हमें खतरा नहीं मोलना है, तो क्या हो जाएगा, फिर वह दुश्मनों का सामना कर पाएंगे नहीं, फिर भी वह क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं कि वह अपने जीवन को, अपने जीव को, अपने सांसों को, अपने इस जीवन को धोखे में नहीं डालना चाहते हैं, और जो कुछ उसके सामने है उसी में ईश्वर का धन्यवाद कहकर वह जीवन घिसा पीटा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वह सांप भी हमें उसी प्रवृत्ति का दिखाई दे रहा है कि वह कायर है, अपने कायरता को छिपाने के लिए इस तरह की वह बातें कर रहा है। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपने खोकल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। मनुष्य भी ऐसे करते ना, अब देखिए बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं कि साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, करते हैं नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि धीरे 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 रोज पढ़ते रहते हैं, आज एक सब्जेक्ट का, कल दूसरे सब्जेक्ट का, तो धीरे 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 पढ़ते हुए जो हर रोज अपनी मेहनत करते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं नहीं, साल भर कौन पढ़ेंगे, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे और जितने मार्क्स मिलेंगे उतने में वो खुश मान लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, उनके उद्देश्य ध्येय होते हैं, उन्हें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और वो उस प्रयत्न के बाद उसका फल कब मिलता है, जब अंतिम रिजल्ट उनके सामने होता है, बहुत अच्छे अंकों से वह पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ष भर कुछ पढ़ते नहीं, साल भर कुछ पढ़ते नहीं, सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ते हैं और पासिंग मार्क्स पर ही खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार का यह हमें सांप की प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है, और मानव के भी उस प्रकार के प्रवृत्ति स्वभाव होते हैं। खोकल से ही वो बड़ा सुख हो, कहता है कि मेरा जो जीवन है उसमें मैं सुखी हूँ, धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ही यह सब कुछ है,
मुझे आकाश के स्वच्छंद से क्या लेना देना, न वहाँ छत है न वहाँ दीवारें है न रेंगने के लिए जमीन है, मेरा तो सिर चकराने लगता है। अब देखो जब वह अपने इस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, नहीं क्यों, क्योंकि वो कहता है कि मैं वहां अगर मैं अपने से बाहर उस जीवन से बाहर निकलूंगा तो मेरे लिए बहुत खतरा है और बाहर जाने के बाद मेरा तो सिर चकराने लगता है, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। दिल कांप कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहीं की चतुराई है। अब देखिए वो क्या कहता है कि इसमें क्या ध्येय है, उसमें क्या जीवन है कि अपने प्राणों को खतरे में डालकर जीवन जीना है। लेकिन बाज ने क्या किया था, अपने जीवन को खतरे में डालकर अंतिम सांस तक वह आकाश में उड़ान भरना चाहता था। तो इसी प्रकार से हमें कौन सा जीवन जीना चाहिए, कौन सा जीवन जीना आप पसंद करेंगे, सांप की तरह प्राणों को खतरे में न डालते हुए घिसा पीटा जीवन जीना पसंद करेंगे, या फिर अपने सांसों अपने जीवन को खतरे में रखकर अपने ध्येय तो पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हुए जिस प्रकार बाज मरा उसकी प्रकार कौन से जीवन को आप जीना पसंद करेंगे, आप सोचिए। मैं तो बाज की तरह जीना पसंद करूंगी, क्यों, क्योंकि हमारा मनुष्य का जीवन हमें एक ही बार में मिलता है और हमें इस जीवन को सत्कर्म के द्वारा जितने भी अच्छे कर्म होंगे, जितने भी हमारे जीवन की ऊंचे ऊंचे ध्येय होंगे वहां तक पहुंचने के लिए चाहे कितने भी खतरा कितना भी समस्याएं कितने भी कठिनताएं हमारे जीवन में आए उन कठिनताओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें सांस युक्त जीवन जीना है न कि कायरता युक्त जीवन जीना है, चाहे उसके लिए हमें हमारे प्राण खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। अगर सैनिकों ने ऐसा सोचा तो क्या होगा हमारा, वह भी तो जीवन भर दिन रात अपने प्राणों को खतरे में डालकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन किसकी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार हमें कायरता युक्त नहीं बल्कि वीरता के साथ साहस के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी लगा देना अंतिम सांस तक डटे हुए लड़ते हुए रहना। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसने सुना। अब देखो वो इस तरह से बातें बना रहा था, सोच रहा था, सांप जो बाज है वह मूर्ख प्राणी है, नहा कि उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है। लेकिन ऐसे सोचते हुए वह उसे कुछ आश्चर्य का ठिकाना न रहा, आश्चर्य का ठिकाना न रहना हैरान होना। उसने क्या सुना, चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब देखो जो चट्टानों से पानी भर रहा था नदी का, उसमें से एक मधुर सुंदर गीत सुनाई देने लगा और उसे वह बहुत हैरान हुई। क्या सुना उसने, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। अब जैसे देखो वह हमेशा अंधकार युक्त गुफा में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके कानों पे कुछ मधुर गीत सुनाई देने लगे। तो वह गीत कहाँ से आ रहे, किसके लिए आ रहे, सुनने के लिए जब वह बाहर आया तो उसने चट्टानों से नीचे झुकना झांकने के लिए प्रयत्न करने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगाती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। आप देखो ये जो नदियों के यहाँ पर वर्णन किया है कि सूरज के सुनहरी किरण कि देखो सूरज की किरण जब लहरों पर गिरती है तो उसका रंग सुनहरा सोने के जैसे हो जाता है, और वो जो लहरें थी वह खुशी के गीत गा रही थी, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। अब तक उसने अपने जीवन में जितने भी अपना जीवन काल बिताया था इसमें इस प्रकार की लहरों को खुशियों के गीत गाते हुए नहीं सुना हुआ था, और ये जब उसने देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है, और अब देखो जब उसने सुना लहरें क्या कहती है, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। अब देखो
किसके बारे में मधुर गीत गा रहे थे वो लहरे, वो क्या कहती है कि हम उन लोगों के लिए, उन साहसी लोगों के लिए यह गीत गा रहे जो हमेशा अपने प्राणों को हथेले पर रखे हुए घूमते हैं, मतलब अपने प्राणों को संकट में डाले हुए विजय हासिल करने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं, ऐसे साहसी लोगों के लिए हम गीत गा रहे। अब उसने देखो क्या किसके लिए गा रहे थे, वह चतुर वही है जो प्राणियों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। अब देखो क्या हुआ था, बाज ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर बहादुरी के साथ अपना जीवन का अंत कर दिया था, और जब वह पानी में बहकर पानी के लहरों के साथ बहता गया तो उसकी उस बलिदान पर, उसकी उस बहादुरी पर, उसकी उस वीरता पर, उसकी उस साहस पर वह लहरों के पानी मधुर गीत गा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अंतिम सांस तक अपने प्राणों की बाजी लगाकर वह अंतिम सांस तक लड़ता रहा, जूझता रहा। तो देखो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे वीरता के गीत होते हैं, किसके लिए, हमारे जो सैनिक होते हैं वो उनकी वीरता को देखकर हम ऐसे गीत गाते हैं कि आज अगर हम गीतों को सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वह साहसयुक्त कार्य करने के लिए हम प्रोत्साहित हो रहते। तो इस बलिदान को और इस बहादुरी पर वह ऐसे गीत गाते हैं जो हमेशा अमर रहते हैं। ओ निडर बाज, अब देखो लहरे क्या करे कि निडर, बिना डरे हुए, निडर मतलब जो कभी नहीं डरता, वो बाज को कह रहे हैं कि शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलागी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेंगी। तो देखो आज हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में लेखक ने यहाँ पर बाज का जीवन दिया है कि हमें उनसे क्या लेना चाहिए, कौन सी सीख लेना चाहिए कि भले ही हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, हमें हमारे देश की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए हमें हमेशा साहस युक्त, बहादुरी युक्त, दूसरे स्वतंत्रता तो सबको प्यारी होती है, तो हमें अपनी अपने स्वतंत्रता के साथ साथ अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए, अपने देश में रहने वाले समाज के हर व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए सांस युक्त जीवन जीना चाहिए, न कि सांप के जैसे कायरता युक्त जीवन जीना चाहिए। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम कैसे हो, अमर है। कौन अमर होते हैं? जो अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के खुशियों के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं, ऐसे लोग अमर हो जाते हैं। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व के साथ और श्रद्धा से लिया जाएगा। अब देखिए हमारे सामने दो उदाहरण रखे लेखक ने, दो प्राणियों को रखे, किसको, एक बाज को और एक सांप को। तो हम किसके जैसे जीवन जीना पसंद करेंगे, वीरता के साथ, साहस के साथ, बलिदान दिए हुए बाज के जैसे जीवन, साहसयुक्त जीवन हम जीना पसंद करेंगे, न कि सांप के जैसे कायरता युक्त जीवन जीना हम पसंद करेंगे। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से कभी नहीं डरते। तो इस प्रकार लेखक ने हमें इस कहानी के द्वारा एक बहुत सुंदर बोध देने की कोशिश की है कि हमें हमेशा जीवन के अंतिम समय तक हमें वीरता के साथ, बलिदान के साथ, साहस के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं हम कुछ शब्दार्थ, यहाँ पर मैंने सिर्फ शब्दार्थ लिखे हैं, उसके अर्थ आपको लिखना है, लिख लिए। तो चलो हम चेक करते हैं आपने उत्तर सही लिखे हैं या गलत। लकीर रेखा, सुनहली सोने रंग की, निडर न डरने वाला। यहाँ पर परिच्छेदों में कुछ मुहावरे आए हैं, डींग हकना बढ़ चढ़कर बातें करना, गुण गाते न थकना भरपूर प्रशंसा करना, दिल का अपना डर जाना, प्राणों की बाजी लगा देना मौत से न डरना, प्राण हथेली पर लिए घूमना मृत्यु की परवाह न करना। तो बच्चों इस प्रकार लेखक के द्वारा हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है, इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। यह पाठ यही खत्म होता है। धन्यवाद।